अफ्रीका के जंगलों में विशालकाय जानवरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ केवल हाथी ही नहीं बल्कि राइनोस भी सदियों से रहते आ रहे हैं। हालांकि अब इनकी संख्या विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन आज भी जंगल में इनका रुतबा कम नहीं हुआ है। शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन राइनोस का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। एक भारी भरकम शरीर और खतरनाक सींग के साथ ये जानवर दुश्मनों से खुद को बचाना जानते हैं और अपने इलाके की रक्षा करने में सबसे आगे होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अपने गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव में राइनोस क्या करने में सक्षम रहते हैं, आखिर कैसे ये हिप्पोस एलिफेंट से जाकर भिड़ जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए शेर और हाइनास के झुंड को मजा चखाते हैं। इस वीडियो में आपको जंगल की सबसे बड़ी ताकतों में भीषण घमासान देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। एक भारी भरकम सर, विशालकाय शरीर, ताकतवर गर्दन, मोटे पैर और बेकार आई साइट के साथ दुनिया भर में राइनोस की केवल 5 प्रजातियां ही अस्तित्व में हैं। और दुख की बात यह है कि 5 ही इंडिजिड स्पीशीज के लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक समय था जब इन जीवों की अच्छी खासी संख्या धरती पर मौजूद थी, लेकिन शिकार के चलते धीरे धीरे ये जंगलों से गायब होने लगे। आज इन्हें बचाने का काम जोर शोर पर है, लेकिन इन सभी में व्हाइट राइनो सबसे खास है। वजन में 2 से 3 टन तक मापे जाने वाले ये जीव लंबाई में 3 से 4 मीटर तक के होते हैं। हालांकि आकार में ये नर मादा से ज्यादा विशाल होते हैं, लेकिन आक्रामकता के लेवल पर दोनों ही बराबर हैं। कोई भी इनके शरीर को देखकर ये सोच सकता है कि ये खूब सारा मांस खाते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि राइनोस पूरी तरह से हर्बीवोरस होते हैं। अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए ये दिन में 70 kg तक का घास खाते हैं और लगभग 150 लीटर पानी पी जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारी भरकम होने के बाद भी राइनोस अपने टारगेट के पीछे भागने में कतराते नहीं हैं। दुश्मनों का पीछा करते हुए ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं और उन्हें पकड़कर ही दम लेते हैं। व्हाइट राइनोस का सबसे बड़ा फीचर इनके लंबे सींग होते हैं, जिसे ये अपने दुश्मन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लंबाई में 19 इंच तक बढ़ने वाले ये सींग विशाल जानवरों से लड़ने में कमाल दिखाते हैं। चलिए आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बैटल ऑफ दिखाते हैं जो बताती हैं कि राइनोस असल में क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिप्पो और राइनोस के दुश्मनी की। क्या कभी आपने सोचा है कि लगभग एक जैसा आकार और वजन रखने वाले ये दोनों जानवर आपस में भिड़ते होंगे तो जंगल में क्या तबाही मस्ती होगी। इस क्लिप में दोनों ही जानवर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी टेरिटरी को लेकर आक्रामक हो जाते हैं। जैसे ही राइनोस पानी पीने के लिए तालाब में घुसने की कोशिश करता है, वैसे ही हिप्पोस भी अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। इस लड़ाई में राइनो अपने सींग का इस्तेमाल करके हिप्पो को छेड़ता है, जिसके जवाब में हिप्पो भी अपना विशाल मुंह खोलकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां 2 छोटे हिप्पो पानी से बाहर आते हैं, लेकिन राइनो बिना किसी वजह के उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों लड़ाई से बचने के लिए राइनो से दूर जाते हैं, लेकिन इन आक्रामक व्यवहार का जवाब देने के लिए तभी एडल्ट हिप्पो भी वहां पहुंच जाता है और अपना मुंह खोलकर राइनो पर हमला करने के लिए आगे आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राइनोस वापस अपने झुंड में दौड़ जाता है और लड़ाई को वहीं पर खत्म कर देता है। दोस्तों, ये दोनों क्लिप्स बताती हैं कि राइनोस और हिप्पो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और हमेशा उन्हें अपने इलाके में आने से रोकते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां हिप्पो राइनो को नदी में नहीं आने देना चाहता, क्योंकि ये उसका इलाका है। हिप्पो अपना मुंह खोलकर राइनो को डराने की कोशिश करता है, मगर इस पर राइनो जब पीछे नहीं हटता तो 2 हिप्पो मिलकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। दोस्तों, हालांकि हिप्पोस बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनकी जीत नहीं होती। जब हमले की बारी राइनोस की आती है तो हिप्पोस को भी मुंह की खानी पड़ती है। इस क्लिप में रात के अंधेरे में राइनो पर हमला करते हिप्पो को तब मुंह की खानी पड़ती है जब वो मुंह खोलकर राइनो पर अपने दांत चुभाने की कोशिश करता है, लेकिन राइनो को गुस्सैल होता देख वो सिंह से डर कर भागने पर मजबूर हो जाता है। अगली क्लिप हमें बताती है कि राइनोस भी अपना बदला लेना चाहते हैं और हिप्पोस को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। इस क्लिप में हिप्पो को अकेला पाकर राइनो अपने सींग से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हिप्पो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही जख्मी होता है। इसी बात का फायदा उठाकर राइनो उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इन दोनों के बीच की लड़ाई कभी शांत नहीं होती। ये सभी घटनाएं हमें सबूत देती हैं कि हिप्पोस का एग्रेशन हमेशा राइनो से ज्यादा होता है, लेकिन राइनो फिर भी अपने प्रतिद्वंदी को पूरी टक्कर देता है और आखिर तक हार नहीं मानता। इसी का जीता जागता उदाहरण हमारी अगली क्लिप है, जिसमें राइनो और शेर आमने सामने हैं। राइनोस एंड लायन।
राइनोस भी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। पूरे जंगल में केवल यही वो शिकारी होता है जो राइनो के भारी भरकम शरीर को भी शिकार बनाने का दम रखता है। इसलिए राइनोस को इनसे बेहद संभल कर रहने की जरूरत होती है। वो खुद इनसे पंगा नहीं लेते, लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है तो हमला करने से ये भी पीछे नहीं रहते। इस क्लिप में पूरा प्राइड ग्रुप मिलकर राइनो को घेर लेते हैं। सभी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी राइनो पर हमला करने की हिमाकत नहीं करता। इसी बीच राइनो भी हाइपर एक्टिव हो जाता है और सामने आई शेरनी को डराता है। जैसे ही ये शेरनी हमला करने के लिए उसकी ओर आती है, वो खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उनसे दूर भागता है। इस लड़ाई का आखिरी अंजाम क्या होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां शेरनी का झुंड फिर एक बार राइनो को टारगेट करता है। राइनो जब पानी में आराम फरमा रहा होता है, तभी शेर शेरनियों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा चला आता है। पास आने पर शेरनी को लगता है कि राइनो पहले से ही घायल है और वो इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आने की कोशिश करते हैं, तब ये जीव एक्टिव मोड में आकर उन्हें भगाना शुरू कर देता है। शेर पीछे से राइनो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चाल फीकी पड़ जाती है। अपने सींग का इस्तेमाल करते हुए राइनो शेर शेरनी को पीछे खदेड़ता है और उन्हें बैटल फील्ड्स को छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है। हाइना वर्सेस राइनो। हाइनास जंगल के वो शिकारी हैं जो छोटे होते हुए भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो जानवर शेर तक को नहीं छोड़ता, वो राइनो जैसे बड़े शिकार को कैसे हाथ से जाने दे सकता है। हाइना को जब भी मौका मिलता है, वो राइनो पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। दरअसल इन्हें उसे जीतने का कोई शौक नहीं होता, इन्हें केवल दूसरे जानवरों से उलझना और उन्हें अपना शिकार बनाना अच्छा लगता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां दो हाइनास राइनो मदर और उसके कब पर हमला करते हैं। वो पहले तो बच्चे और फिर माँ पर साइड साइड से हमला करने की कोशिश करते हैं। हाइना का असली शिकार राइनो का बेबी होता है, लेकिन माँ हाइना को अपने बच्चे के पास इतनी आसानी से नहीं जाने देती। बेबी को अपने साथ रखते हुए वो उनसे दूर भाग जाती है। अगर वो अकेली होती तो इसका जवाब जरूर देती, लेकिन अभी इसके लिए अपने बच्चे की रक्षा ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां हाइना का पूरा झुंड राइनो पर हमला करने की फिराक में रहता है और वो उस पर पीछे से चार्ज करता है। ऐसे में राइनो खुद को बचाने के लिए पहले भागता है और फिर एग्रेसिव होकर हाइना के पूरे झुंड पर हमला करके उन्हें बिखेर देता है। एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में ये दोनों जीव साथ साथ रहते हैं। आकार और ताकत दोनों में कम होने की वजह से राइनो खास तौर पर हाथी से उलझने की कोशिश तो नहीं ही करते। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि हाथी खुद एक शांत स्वभाव का जीव है जो राइनो की तरह झुंड में रहते हैं और बेहद ही शांत जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी ये शांति हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहती है। साथ रहते हुए कभी कभी इनकी भी मुठभेड़ हो जाती है। अब जरा इस क्लिप को ही ले लीजिए जहां राइनो हाथी से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी अपनी तरफ से लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो राइनो के गुस्से पर भी पीछे हट जाता है, लेकिन हमेशा हाथी शांत नहीं रहते हैं। जब वो आक्रामक होते हैं तो राइनो से भिड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जरा इस क्लिप को ही ले लीजिए जहां घास खाते हुए राइनो गलती से हाथी के करीब आ जाता है। अब ये बात हाथी को जरा भी पसंद नहीं आती। वो बिना किसी चेतावनी के राइनो के सर पर डंडा दे मारता है और उसे पीछे खदेड़ने की कोशिश करता है। राइनो के समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने में अपनी भलाई समझता है। राइनो वर्सेस राइनो। क्या आपने कभी दो राइनोज को साथ साथ लड़ते हुए देखा है? आपको बता दें कि एक जैसी ताकत वाले जब दो राइनोज लड़ते हैं तो मुकाबला टक्कर का होता है, क्योंकि ये दोनों ही जिद्दी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इनकी ये लड़ाई हमेशा सिंह की होती है और कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं होता। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां एक माँ और कब मेल राइनो के सामने आ जाते हैं और इसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को सींग से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन धूल की वजह से पता नहीं चलता कि जीत किसकी होती है। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के वो जानवर जिनकी संख्या में तो कमी आई है, लेकिन उनका एग्रेशन और लड़ने की चाह बिल्कुल वैसी ही है। तो दोस्तों, आपका इस जीव के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।